लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अपनी मां से ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे निकालने में असमर्थ पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक व्यक्ति ने उसे चाकू मार दिया और अपनी भाभी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने शुक्रवार को कहा, अपनी मां से ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे निकालने में असमर्थ पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक व्यक्ति ने उसे चाकू मार दिया और अपनी भाभी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने शुक्रवार को कहा, ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को हुई घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे पीटा और उसके हाथों और पैरों को रस्सियों से बांधने के बाद एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस कर्मी उसे बचाकर अस्पताल ले गए। चकदाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहापारा में रहने वाला एक बेरोजगार ड्रग एडिक्ट व्यक्ति सुकुमार विश्वास अपनी मां निर्मला से पैसे की मांग करता था और हर किसी से लड़ाई करता था जो इसे छोड़ देता है। गुरुवार को उसने अपनी 55 वर्षीय मां से पैसे मांगे, लेकिन उसने मना कर दिया। एक विवाद के बाद विश्वास ने एक धारदार हथियार से उस पर हमला किया। पुलिस ने कहा कि जब उसके बड़े भाई की पत्नी देविका उसके बचाव के लिए पहुंची, तो उसने उसके साथ भी मारपीट की और मौके से फरार हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने उसे जल्द ही पकड़ लिया और उसे जमकर पीटा। रस्सी से उसके हाथ पैर बांधने के बाद उन्होंने उसे एक तालाब में फेंक दिया। पुलिस कर्मियों ने उसे वहां से बचाया। दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां निर्मला विश्वास ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने कहा कि उसकी बहू और विश्वास अस्पताल में भर्ती थे। सहापारा के एक निवासी ने कहा कि विश्वास एक उपद्रव है, जिसने अक्सर उनके परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों के लिए परेशानी खड़ी की। उन्होंने कहा कि आरोपी ने दो बार शादी की, लेकिन उसकी पत्नियों ने उसे छोड़ दिया।